हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो अनु। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कुछ उपाय। तो दोस्तों, वो उपाय कुछ इस तरह हैं। अगर आपके हाथों में पैसा नहीं रुकता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है, तो आप पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक नित्य जलाएं और माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं। इसी इत्र का नियमित उपयोग करें। अगर आपके हाथों में बेवजह धन खर्च हो रहा है, तो माँ के चरणों में प्रतिदिन 1 रुपये का सिक्का अर्पित करें और महीने के अंत में इकट्ठा करके किसी सौभाग्यशाली स्त्री को दान करें। अगर आपको अक्सर धन की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप निम्नलिखित गलतियों में सुधार करें। जैसा मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन घरों में पूजा का दीपक फूंक मारकर बुझाया जाता है, घरों में माँ लक्ष्मी का रास बिल्कुल नहीं रहता। टूटी हुई कंघी से अगर बाल सवारे जा रहे हैं, तो आप उसको अपशगुन मानेंगे, उससे माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। यदि आप रात में बिना धोए पैरों को सो रहे हैं या गीले पैरों से आप सो रहे हैं, तो कतई माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेगी। अगर आपके घर में रात को झूठे बर्तनों का ढेर लगा रहता है और उसे सुबह साफ किया जाता है, तो ऐसे घरों में लक्ष्मी नहीं ठहरती। इस आदत में आप सुधार कीजिए। अगर आपको नाखून चबाने की आदत है या दांतों से काटने की आदत है, तो ये भी धन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी आदत को आप बदलें। जिन घरों में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है, वहाँ महालक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जिन घरों में नियमित शंखनाद नहीं होता है और देवी देवताओं को कोसा जाता है, वहाँ महालक्ष्मी का वास कतई नहीं होता। जिन घरों में पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता, वहाँ महालक्ष्मी कभी नहीं रुकती। रात को लगा हुआ आटा अगर आप फ्रिज में रखते हो और वो आप सुबह उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी एक अपशगुन है, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। तो ये थे कुछ आदतें जो मैंने आपको बताई स्थिर लक्ष्मी हेतु। धन्यवाद।